So hey, and once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream Institute Tutorials, learn with fun. तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 7th के यूनिट फर्स्ट 1.1 पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोयम. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. ठीक है, पहला पास्ट मतलब क्या होता है, जो समय बीत चुका है भूतकाल, प्रेजेंट जो चल रहा है वर्तमान काल, समय जो चल रहा है उसको, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला कल है, जो आने वाला समय है उसको. ठीक है, भविष्य काल. सो टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी. सो क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है ये जिसने लिखा है ये पोएम को, वो बोल रही है बताओ, जो हंसता हुआ बच्चा है उससे पूछ रही है कि ये हंसते हुए बच्चे तुम मुझे बताओ आपके हिसाब से. थी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज में पहले यू को थी कहते हैं, मतलब तुमको थी कहते थे. ठीक है, यू को. सो आपके हिसाब से जो पास्ट वो क्या है, जो हंसता हुआ बच्चा उसे पूछ रही है आपके हिसाब से जो थी, जो पास्ट है भविष्य भूतकाल है वो आपके लिए क्या है. ठीक है, सो एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ विंड दैट साइग मॉर्नफुली. सो क्या, जो ऑटम मतलब होता है एक सीजन होता है. सीजन एक्चुअली हमने पढ़ा है 3 टाइप्स के होते हैं, बट 6 टाइप के सीजन होते हैं, जिसमें से एक ऑटम है जो कि समर और मानसून के बीच में आता है. इसको शरद ऋतु हिंदी में बोलते हैं. और ये इसका इसमें क्या होता है कि जो पेड़ रहते हैं, पत्तियाँ रहती हैं पेड़ों के, वो झड़ जाते हैं और नई नई पत्तियाँ आने लगती है. जैसे यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पत्तियाँ झड़ रही हैं वैसा. ठीक है, सो जो ऑटम की इवनिंग अगर आपने नोटिस किया होगा, जितना एकदम शांत और सुंदर दिखाई देता उस समय सीजन का, सो वो जो इवनिंग है जैसा सॉफ्ट है, नरम है, माइल्ड है, वैसा ही जो हवा है, किसके साथ वो नरम है, सॉफ्ट है, जो शाम है ऑटम की, विथ अ विंड हवा के झोंके के साथ, जो कि अफसोस के साथ चल रही है. ठीक है, अब इसका मतलब कहने का क्या है, जो पोएट हैं कह रही हैं, पोएटेस जो हैं वो कह रही हैं कि जो जैसा हमारा पास्ट है, आज अगर हम कल कुछ गलतियां कर देते हैं पास्ट में तो हम उसको अफसोस करते हैं कि हमने ये गलती हमसे हो गई है, तो बार बार हम उसको अफसोस जताते हैं. जैसे कि आप क्रिकेट खेले और सिक्स मारना, आपको कैच पकड़ना था. ठीक है, और कैच जो है बॉल आपके थोड़ा सा पहले गिर गया, तो आप ये सोचते हैं कि अरे यार सिक्स, अगर मैं थोड़ा सा और आगे खड़ा होता तो शायद मैं कैच पकड़ लेता. सो ऐसे हम लोग अफसोस करते हैं. तो वही ये कहना चाहती हैं इस लाइन से कि पास्ट क्या होता है, जो बातों को हम लोग अफसोस मनाते हैं वही हमारे लिए पास्ट होता है. ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट हावर. सो जो अभी समय चल रहा है, ठीक है, अभी जो समय चल रहा है ये क्या है. अब सो ए ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, क्या स्प्रे का मतलब तो फुहारा होता है, लेकिन यहाँ पे चिड़िया जिस घास के जिस डंड ब्रांच पे बैठी है और सखा पे, उसको यहाँ पे स्प्रे बोला गया है, जो हरा भरा सखा है. ठीक है, जो ब्रांच है जिसके ऊपर ये बैठी है उसको, वेयर ए यंग बर्ड सीट्स गेदरिंग इट्स पावर. सो जहाँ पे एक जो है चिड़िया बैठती है, क्या करती है, अपने पावर को, अपने हिम्मत को जो है जुटाती है, वो किसके लिए, टू माउंट एंड फ्लाई अवे, क्या वहाँ से दूर उड़ जाने के लिए अपने अपने पावर को जुटाती है. सो प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे, ताकि हम लोग आज पढ़ें और फ्यूचर में जाके हम लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने पावर को जुटा रहे हैं पढ़ के, ताकि हम अपने भविष्य को सुधार सकें. यही प्रेजेंट है ना हमारा, कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ के आगे चल के हम अपने भविष्य को सुधार सकें. तो यही ये हम अभी पावर को अपना इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम कल कुछ बड़ा बन सकें. ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है. सो एंड वॉट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, और पूछ रही है क्या जो फ्यूचर है वो क्या है आपके हिसाब से. सो ए सी वेनिथ ए क्लाउडलेस सन. सो वेनिथ मतलब उसके नीचे. सो जो सूरज है, सूरज के नीचे जो सी है बिना बादलों के नीचे, जो सूरज है बिना बादलों वाला सूरज है, उसके नीचे क्या है, हमारा समुद्र है. ए माइटी ग्लोरियस डेजलिंग सी स्ट्रेचिंग इन टू इन्फिनिटी. सो क्या हुआ, जो माइटी ताकतवर ग्लोरियस डेजलिंग जो सी है, जो चकित करने वाला समुद्र है, ठीक है, वो कहाँ तक, अनंत तक फैला हुआ है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जहाँ तक हम लोग जा नहीं सकते वहाँ तक वो फैला हुआ है. तो फ्यूचर भी हमारा क्या है, हम जिसको देख नहीं पाते, हम लोग उसको देख नहीं सकते कहाँ तक है ये हमारा या फ्यूचर में क्या होगा, वैसे ही. तो इस पोएम को लिखा है किसने, एमिली ब्रोंटे ने. सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. तो ऐसे मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम एसडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू.